खबर यूपी के जनपद कुशीनगर से है, जहां इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां बरवापट्टी क्षेत्र में एक गांव के गरीब को अस्पताल से पत्नी और नवजात को घर लाने के लिए अपना 2 साल का बेटा का सौदा करना पड़ा। क्षेत्र के एक निजी अस्पताल में नॉर्मल प्रसव के बाद संचालक ने 4,000 रुपए मांगे। तत्काल रुपए नहीं मिलने पर प्रसूता और नवजात को रोक लिया गया। बेबस पिता ने नवजात और पत्नी को अस्पताल से घर लाने के लिए अपने 2 साल के बेटे का 20,000 में सौदा कर दिया। घर पहुंचने पर पत्नी ने जब बेटे को तलाशना शुरू किया तो पति की आंखें छलक उठीं और पूरी बात बताई। बरवापट्टी थाना क्षेत्र के दशहवा भेड़िहारी गांव निवासी हरेश पटेल की पत्नी लक्ष्मीना देवी को प्रसव पीड़ा हुई। हरेश उसे लेकर गांव के एक निजी अस्पताल गया, जहां नॉर्मल प्रसव हुआ। शाम को अस्पताल संचालक ने 4,000 रुपए की मांग की। इसी बीच आर्थिक तंगी से परेशान हरेश से एक महिला मिली और उसके 5वें नंबर के बेटे को गोद देने को कहा। बताया कि बदले में 20,000 रुपए दिला देगी। पूरी रात परेशान हरेश ने सुबह 2 साल के बेटे को 20,000 रुपए में दे दिया। अस्पताल में 4,000 रुपए चुकाकर वह पत्नी और नवजात को घर ले गया। घर पर छोटा बच्चा नहीं दिखा तो लक्ष्मीना परेशान हो गई। इसके बाद हरेश ने लक्ष्मीना से बेबसी की पीड़ा साझा की। सौदेबाजों ने पूरी तैयारी के साथ काम किया है। खरीद फरोख्त की बात साबित न होने पाए इसके लिए स्टाम्प पेपर हरेश पटेल से अंगूठा लगवाकर गोदनामा लिखवा लिया। साथ ही हिदायत दी कि अगर कोई पूछे तो यही कहना कि बच्चे को गोद दिया है। गांव में बच्चा बेचने की बात फैली तो एक सिपाही हरेश के घर बाइक से पहुंचा। हरेश ने गांव वालों को बताया कि सिपाही ने बच्चा बेचने के मामले में कार्रवाई की धौंस देकर 5,000 रुपए ले लिए। सिपाही की इस करतूत की चर्चा भी गांव में हो रही है। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस अधीक्षक ने सिपाही पर बैठाई जांच। बच्चा बेचने की सूचना पर डीएम उमेश मिश्र और पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा मौके पर पहुंच गए। डीएम उमेश मिश्र ने बताया कि फर्जी गोदनामे के आधार पर बच्चे को दिया गया था, जिसकी जांच के बाद बच्चे को बरामद कर लिया गया है। एसपी ने इस पूरे मामले में सीओ तमकु हिराज को प्रकरण की जांच व कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। रुपए के अभाव में प्रसूता के परिजनों को परेशान करने वाले अस्पताल संचालक को गिरफ्तार किया गया है। बच्चा खरीदने वाले और बिचौलिए का काम करने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकरण की जांच कराई जा रही है। जो भी इसमें दोषी होगा उस पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। जल्द इस प्रकरण में शामिल सभी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारा नाम हरीश पटेल है, ग्राम भेड़ियारी टोला का है, दशहवा का। हमार मजबूरी में हम अपन लड़का का बेच के अपन औरत छोड़ोले बने हैं। हम लड़का ही बद्री पटेल के। तर औरत कहाँ रही छोड़ोले बड़ा? और डॉक्टरी में भर्ती रही है, वो लड़का के पैदाशी रहा था। अब वही हम बंधक में रही है। तो कितना रुपया में? 4,000 रुपया में छोड़ा के लेनी है। कितना में लेकर बेचल बड़ा? 20,000 में। केकरा से? भोला या कहाँ कहूँ? अब तो गांव के नाम तो नहीं बतौले हमने कि बिछवा बोल आई हम इसी के कबल मुसहरी के रिश्तेदार हुए हैं ना। यादों हूँ नहीं, जब रिश्तेदार हूँ नहीं यादों लोग। अच्छा, हाँ। बच्चे के बेचने की बात सामने आ रही है, आप लोग मौके पे आए हैं, क्या कार्रवाई की जा रही है? क्या जनपद कुशीनगर में थाना बरवापट्टी के संबंधित ही प्रकरण, जैसा कि डीएम साहब ने बताया कि एक फर्जी गोदनामा के आधार पर बच्चा दिया गया था, इसमें मौके पर आके हमारे और डीएम साहब के द्वारा जांच किया गया। इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए बच्चे को सकुशल, रात में जब भी सूचना प्राप्त हुई तो पूरी रात अभियान चला के बच्चे को सकुशल बरामद करा लिया गया है। उनके पिता को सौंप भी दिया गया है और साथ ही साथ इस मामले में मुकदमा पंजीकृत करवा कर 5 लोगों को अभी तक पकड़ लिया गया है। इसमें जो बिचौलिया था अमरेश यादव, उसकी गिरफ्तारी हुई है और साथ ही साथ जिसको बच्चा दिया था भोला यादव, उसको ही पकड़ लिया गया है। साथ ही साथ एक फर्जी महिला
क्लिनिक डॉक्टर बनके जो इसमें शामिल थी तारा कुशवाहा, उसको भी पकड़ा गया है और कुल अब तक 5 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है और इसमें फर्दर कार्रवाई कराई जा रही है। इसमें एक सिपाही का भी नाम आया था, उसको भी तत्काल कार्रवाई करते हुए उसको भी लाइन हाजिर किया गया है। जांच उपरांत और कार्रवाई की जाएगी और समस्त प्रकरण में हमारे CEO तमकुहीराज और भी फर्दर इसमें जाँच करेंगे। फिलहाल इस प्रकरण में मुकदमा लिख के 5 लोगों को पकड़ लिया गया और फर्दर